चलिए दोस्तों, जावा में आज हम लोग लूप का देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं डू लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डू वाइल लूप जो होता है वो क्या है एक्चुअली में, उसका काम क्या है। मैं आपको पहले मैं सिंपल एक करके दिखाता हूँ। int और यहाँ पे मैं a=1 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ डू, और फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मैं देता हूँ, और उसके अंदर में यहाँ पे मैं sysdem.out.println, प्रिंट एलन के अंदर में मैं यहाँ पे मेरे ही नाम लिखता हूँ। माय नेम इज सचिन शर्मा। उसके बाद यहाँ पे वाइल लिखना पड़ता है हम लोगों को, और इसके अंदर में फिर हम लोग कंडीशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारा ए जो रहेगा वो मैं मान के चलता हूँ less than 5 होना चाहिए, इसलिए less than equal to 5 होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर में हम a++ ऑपरेटर जो है वो यूज, ठीक है ना। a++ जो होता है ये क्या करता है दोस्तों, a++ का मतलब क्या होगा कि a का जो भी वैल्यू होगा उसमें क्या होगा कि a+1 a ऐड करते हुए जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों कि ये कब तक की लूप होगा दोस्तों, ये लूप होगा आपका 5 बार लूप होगा। ठीक है, देखिए 5 बार लूप हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आई का वैल्यू भी ले लेता हूँ। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5। तो दोस्तों वाइल लूप में भी तो सेम इसी प्रकार से ही हम लोग कर सकते हैं, तो फिर डू वाइल का यूज क्यों करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है कि डू वाइल और वाइल लूप में फर्क क्या होता है कि मान लीजिए कि कंडीशन जो था यहाँ पे ए इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5 था। मान लीजिए कि ए का वैल्यू यहाँ पे हम 6 कर देते हैं और उसके बाद कंपाइल करिए, देखिए तब भी एटलीस्ट एक बार वो कंपाइल हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्हाइल लूप में क्या होता था दोस्तों कि ये कंडीशन ऊपर रहता था, तो पहले वो कंडीशन चेक करता था, उसके बाद हमारे स्टेटमेंट को वो रन करता था, जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता था उसको कंडीशन चेक करने के बाद में वो रन करता था। मगर व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप में क्या हो जाता दोस्तों, डू व्हाइल लूप में क्या होता, पहले जो है वो हमारे स्टेटमेंट को रन करेगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन मैच होता है तो फिर उस कंडीशन मतलब वो जो ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा उसको रिपीट करेगा, अदरवाइज नहीं रिपीट करेगा। तो दोनों में यही फर्क है कि व्हाइल लूप में अगर हमारा कंडीशन सही नहीं है तो एक बार भी हमारा स्टेटमेंट रन नहीं होगा, बट अगर हम लोग डू वाइल कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार तो हमारा, चाहे कंडीशन सही हो ना हो, एक बार तो हमारा जो भी स्टेटमेंट हम लिखे उसको वो रन करेगा ही करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका और एक एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, इसमें मैं स्कैनर लेता हूँ, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर में सिस्टम डॉट इन, और फिर हम इसको 6 इंपोर्ट कर देते हैं ताकि तो इसका जो इंपोर्ट है वो यहाँ आ जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है आपने को भी। उसके बाद मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ चेयर लूंगा, चेयर ch इक्वल टू न्यू सॉरी इक्वल टू stl scan डॉट नेक्स्ट, उसके बाद फिर डॉट लिखना पड़ेगा और कैरेक्टर को इस प्रकार हम लोग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन रहेगा हमारा ch
इक्वल टू इक्वल टू वाई। दैट मीन्स दोस्तों अगर हम वाई टाइप करेंगे तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये इसको फिर से वो रन करेगा और अदरवाइज नहीं रन करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें कि दो नंबर को ऐड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक int लेता हूँ a इक्वल टू str scan डॉट next नेक्स्ट int, उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह में सेकेंड लिख दूंगा और यहाँ पे ए की जगह में मैं बी लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके बाद में यहाँ पे मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ, ठीक है, जो हमारा सम दिखा। और नीचे मैं तो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ जैसे टू यू वन टू एड मोर, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कैर सी एच, ठीक है, जो ऊपर में हम लोग कैरेक्टर जो ले रहे थे। अच्छा ठीक है, ये जो कैर ऊपर में जो हम लोग लिखे थे उसको यहाँ पे नहीं लिखते, इसी को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं पेस्ट कर देता। देखिए समझिए इस प्रोग्राम को, देखिए ये जो सी एच है अगर यहाँ पे कोई बंदा वाई टाइप करेगा तो ये इसको फिर से रन करेगा, अदरवाइज ये इसको रन नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार कंपाइल करते हैं देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ट्वेल्व में एरर दिखा रहा है, ये जो ट्री है। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ठीक है हाँ, यहाँ पे हम लोग को एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, कैर सी एच यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ से हटा, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं फिर से, तो देखिए अब हमारा प्रोग्राम ठीक से रन हुआ, और यहाँ पे मैं पहले एक नंबर लिया 45, सॉरी यहाँ पे मैं 45 लिखता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा नंबर लिया यहाँ पे मैं 60 लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट 105 जो हमारा जोड़ के दिखा रहा है, उसके बाद हम लोग से पूछ रहा है डू यू वांट टू, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, डू यू वांट टू ऐड मोर। अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों एड मोड जो यहाँ पे अगर हम वाई लिखते हैं और इंटर मारते हैं तो देखिए फिर से वो फर्स्ट नंबर मांगेगा हमसे, फिर से यहाँ पे जो सेकंड नंबर जो हम लोग देना चाहते हैं मांगेगा, और फिर से हमसे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मोर। और इस जगह में अगर मैं कुछ एस की जगह कुछ और भी अल्फाबेट टाइप करके इंटर मारूंगा तो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। ये आपका हो गया डू वाइल का एक एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल और डू वाइल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।